ये तो बहुत बहुत खूबसूरत है। ये सब क्या है यमन? यहाँ किस लिए आए? हमने एक मुश्किल दिन गुजारा है। तुम्हारी मदद के सिवा ये मुमकिन ही ना था, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया क्यों? लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें बेहतरीन तोहफा दे सकता हूं। क्योंकि इस्तांबुल में तारे देखने के लिए सबसे बुलंद मुकाम यही है। तुम्हें कैसे पता सितारे पसंद है मुझे? तुम्हारे बारे में आज का इंटरव्यू नहीं दिया मैंने। इतने करीब है कि लगता है पकड़ सकती हूँ मैं, लेकिन हकीकत में कितने दूर है ये? क्या अक्सर आते हो तुम यहाँ सितारे देखने के लिए? मुझे सितारों का कोई इल्म नहीं, आसमान नहीं, मैं बस यहाँ जमीन देखने आता रहता हूँ। क्योंकि जो ऊंचाई से देखता है वो बहुत ताकतवर होता है, मगर मैं जिस वक्त नीचे देख रहा था तुम उसी वक्त आसमान की जानिब देख रही थी। सितारों को जानने में देर नहीं हुई है, अगर तुम चाहो तो। वो नॉर्थ स्टार है, हमेशा वहीं पर होता है। ये जो सेलर्स होते हैं ना, वो रास्ते का अंदाजा इसी से लगाते हैं। ये ही इंसानों के रास्ते का तायुन करते हैं। इनकी बदौलत लामहदूद का एहसास होता है मुझे, अपने प्यारों का और इस जहान का मुझे एहसास होता है। आज हमने मुश्किल इम्तिहान दिया, तुम्हारी वजह से यूसुफ हमारे पास है। एक कदम और आगे बढ़ाना होगा। अगर रास्ता ढूंढने के लिए कोई किसी के साथ है तो रास्ते के खो जाने का इम्कान नहीं होता। मिलकर सब ठीक किया जा सकता है।
शुक्रिया तुम्हारा। अगर तुम चाहो तो वापस चलते हैं। हवा अचानक चल पड़ती है, किसी को भी अंदाजा नहीं होता। तुम्हारा मैदा भी ठीक नहीं। ठीक है चलो, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, तुम लाए इसलिए शुक्रिया तुम्हारा। नदीम साहब आए हैं, आपका पूछ रहे हैं। क्या कहूं, हम पहाड़ी पर हैं, आने में 15 मिनट लगेंगे। अच्छा पहाड़ी पर हैं, ठीक है मैं समझ गया, मैं उन्हें बता देता हूं।